वेलकम बैक नाजरीन जी मुनव्वर आजम साहब। देखिए बात यह है कि वज़ीरे आज़म साहब को क्या अगर उनको ये नहीं पता कि मफरूर के साथ फिरना जो है वो जुर्म है तो फिर तो उन्हें फौरी तौर पर वज़ीरे आज़म की कुर्सी से रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो हल्फ ये उठाता है कि मैं इस मुल्क का कस्टोडियम रहूँगा, इस मुल्क की हिफाजत करूँगा, इसमें जो नाइंसाफ़ी होगी मैं उसका तहफ़ करूँगा, लोगों को इंसाफ दूँगा, मुसावी जो उनके पास वसाइल है उसकी तकसीम मुसावी की जाएगी, सूबों को उनका हक दिया जाएगा और 17वीं तरमीम में जो जो चीज़ें मेंशन थी उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। अब जो हिस्सा वफाक ने देना होता है सूबों को वो हिस्सा सूबों को नहीं दिया गया, ना उन्हें सिंध में दिया गया है, ना बलूचिस्तान में दिया गया है, ना KPK में दिया गया है, वो हिस्सा सारा का सारा पंजाब आप भी देते थे। मेन गेट में जब बिजली जाती है तो कराची में बिजली उस वक्त नहीं जाती थी जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। मैं बताता हूँ ना कि गैस का इस वक्त इन्होंने देखो जो बिजली वहाँ जा रही है तो कौन कंट्रोल कर रहा है? बिजली को कंट्रोल तो वफाक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। असल में ये बहुत बड़ी साजिश बिल्कुल कौम के साथ हो रही है, ये साबित करना चाहते हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब हटे हैं इस सीट से लिहाजा डॉलर भी ऊपर चला गया, जी नवाज साहब हटे हैं सीट से लिहाजा वहाँ अफरा तफरी पै गई, नवाज साहब हटे हैं दशक, ये मैं समझता हूँ कि कुछ सोची समझी साजिश बिल्कुल कौम के खिलाफ हो रही है। ये ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर जो है ना वो बिजली वहाँ पर अपना लोड शेडिंग हो रही है और यहाँ पर जो है लोड शेडिंग नहीं कम हो रही है। तो बात यह है कि ये इनके जब से ये है, मैं वहीद आलमगीर साहब कहता हूँ ये नवाज शरीफ हुकूमत 30 साल से है इक्तदार में है, क्या 30 साल में पंजाब को इस पैरस बना दिया जो कराची को जाकर मनाएंगे? 30 साल से नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नवाज शरीफ फैमिली है, कभी वो दौलत की गोद में बैठ के वजारत मिलती उनको, 85वें वजीर खजाना थे। तो बात यह है कि आप देखें इनकी पूरी हिस्ट्री देख लें और मैं समझता हूँ अनफेयर मीन पैसा जिसके पास भी है। सागदार साहब ने क्यों नहीं अपने इलेक्शन रिटर्न में शो किया वहाँ के फ्लैट? अब कहते हैं वो फ्लैट है, भाई है तो क्यों नहीं शो हुए? आप इनकम टैक्स 10,000 रुपये लिख के देते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ क्यों ना हो, आपने क्यों नहीं शो की ये चीज़ें की जायदाद मेरी UK लंदन में ये मेरी जायदाद है, इस सोर्स से मैंने बढ़ाई है? ये सोर्स आप बताते नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीर में कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। क्यों नहीं सबूत है? सारे सबूत तो अदालत के पास है और अदालत ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि इंसाफ हम मिलना चाहिए, लेकिन अगर जिसने गुनाह किया है उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सूबों ने वज़ीर आला ने किया है, आप उनका गला दबाएंगे आंखें तो उनकी निकलेगी, ये सीधी सी बात है। फिर मसूची सी साहब, ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, जो हुकूमतें आती रहेंगी। आपने देखा कि पीपल पार्टी की हुकूमत को भी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो भी बिजली अपने कराची में उनकी बिजली आती रही, वो भी इसी तरह मुल्क को ठेके पर ही चलाते रहे। अब फिर नून लीग आ गई, फिर वो कहते हैं हमें सबूत पेश करो, हमने अगर खाया है तो उस वक्त मियां नवाशी साहब आए कि इनके हमने गले से निकालना है। अब जब ये आ गया तो कहते हैं कि आप साबित करो, आप नैब के कानून को भी ख़त्म करो। पाकिस्तान का क्या बनेगा? आप एज ए लायर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप बड़ा एक ऐसे तबके से तल्लक रखते हैं जो ज़ाहिर मुल्क के लिए सोचता रहता है हर वक्त, तो इसी पर ज़्यादा उम्मीदें अवाम लगाए बैठी है। अवाम तो लाचार हो चुके, शिकस्त खा चुके, इस किस्म की मैनेजमेंट हो चुकी है कि वो बेचारे ना रोज़गार है आपके सामने है तो ना जान व माल का तहफ़ भी। आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं गए जहाँ दहशतगर्दी है। तो ये जिस तरह हम कहते हैं कि ये मुल्क सब का है, क्या कहेंगे कि क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, क्या होगा? इकबाल साहब, बड़ी बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क में रहते हुए कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो ऐसा वक्त आज आ चुका है कि हमारे जो आवाम है, जो मिडल तबका है, आम लोग हैं, उनको हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे जो इख्तदार के लोग हैं, उनसे हटकर उनकी नज़रें अदालत की तरफ लग गई हैं, उनकी नज़रें चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ लग गई हैं। ये आपकी बात की तस्दीक है कि वहाँ से लोगों को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जहाँ से उनको इंसाफ मिल सके, उनकी रहश का प्रॉपर। मतलब जब अदालतों का बात आती है कि चीफ जस्टिस वो मोटो लेते हैं, मुझे बताइए जो 2007 में जल्जला आया था, पूरी दुनिया में खरबों रुपये लोगों ने यहाँ फेंक दिया। पीपल पार्टी भी आई, वो अपने तौर पर काम करके चली गई, ये भी दौर गुजर गया। आप अक्सरियत जाके देखे छात्र, ये तो आप तो वो बात कर रहे हैं ना जो गुजर चुकी है, वो भी बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी यही बदकिस्मती है, लोगों का इत्माद उठता जा रहा है जमहूरियत से, अगर ये हो गया तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी, लोग दूसरी तरफ देखना शुरू हो गए हैं। ये नहीं होना चाहिए, अगर इन्होंने कोई ऐसे मनसूबे बनाए होते कि आवाम की खिदमत की होती तो लोग दूसरी तरफ ना देखते।
अब देखें हाल ही में आप पुरानी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल बजा है, वहाँ जलजला आया और चीफ जस्टिस को वहाँ जाना पड़ा देखने के लिए। आज तक क्या गया 2008 से लेकर आज तक कुछ नहीं हो सका इतने पैसे आने के बावजूद। लेकिन अभी ज़िम्मेदार के साथ, किसान के साथ जो पंजाब और सिंध में हुआ है गन्ने में, आपके सामने उसकी हालत है। सुप्रीम कोर्ट में उसको इंटरफेयर करना पड़ा उसके साथ। अब अभी आप गंदम की बात कर रहे थे, गंदम पहली पड़ी हुई है, उसी तरह गोदामों में नहीं आ गई है। एक और मैं वही हुकूमत बता रही है कि गंदम को सेव करने के लिए गोदाम 20-25 साल से कुछ बने हैं तो बता दो। कोई गोदाम कोई नहीं बना बिल्कुल पंजाब में, तो मैंने एक गोदाम भी नहीं देखा जो नया बना हो। जो पुराने गोदाम है वही चल रहे हैं, उनमें से नकारा हो गए। पीपल पार्टी के पहले दौर में बने गंदम सड़कों, गंदम आम पड़ी होती है। अभी जो नया बोरान चल रहा है आजकल किसान के साथ, वो है आलू का। आलू की काश्त आ गई है इतनी ज़्यादा कि आलू अब स्टोर्स में भी जगह नहीं रही, या तो वो ख़राब हो रहे हैं या लोगों को मुफ्त दे रहे हैं। वो हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी जो आलू इतना, पहले कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते भी आलू कितना काश्त हुआ है, पंजाब में कितना हुआ, सिंध में कितना हुआ, इसको हमने कहाँ खपाना है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई, ना अफगानिस्तान में जा रहा है, ना रशिया में जा रहा है, ना ईरान में जा रहा है। यही हमारा फेलवर है, जिसकी वजह से आम लोग जो है, जो आम तबका है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी हुकूमत से हट के दूसरी तरफ देखता है। ये बदकिस्मती होगी, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसी पॉलिसीज देने चाहिए हुकूमती लेवल पे, या आम तबका जो है, आम लोग जो है, उसको उसके रहने का, उसकी तालीम का, उसके मेडिसिन का सारा बंदोबस्त हो, तो फिर मुल्क ये चल सकेगा, नहीं तो लोग मायूस होते जाएंगे। वहीद आलम साहब, हम कितनी भी खुशगवार तकरीरें करें, बात तो ये है कि ज़रई मुल्क है, हमें साथ ही बॉर्डर थोड़े किलोमीटर के फासले पर इंडिया है, वहाँ एक सिस्टम है कि जो कीमत वो अनाउंस करते हैं, यानी उस फसल आने से पहले, वो मैंडेटरी है और कानूनी तौर पर वहाँ जाके ज़िम्मेदार दे देनी है और चेक उसका मिल जाना। अगर उसने लोन लिया है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ मुझे बताइए कि आपके सामने गन्ने की मिलें किसकी हैं, वहाँ पीपल पार्टी हैं, यहाँ आपकी हैं। गन्ना 180 रुपये अगर आपने कहा था तो फिर उसको पैसे देते, 120 रुपये पर पेमेंट होती है, 80 रुपये लोगों ने बेचा, 80 रुपये फिर पैसे नहीं देती, बात तो दुरुस्त है। क्या करें, क्या काम आप करते ही नहीं है, मेरी बताएं कि कोई बता दे कोई काम किस तरह हो। मैं थोड़ा सा इजी कर दे, आप सुदान सियासतदान जी, मैं अर्ज करता हूं, जो बात आपने इंडिया के बारे में की, पहले तो मैं उसकी तरदीद कर दूं, इंडिया में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, ज़राअत के भी और ज़राई लोगों के भी और सबके। आपको खबर होगी, मैंने खुद पता करवाया, दूसरी हमने भी देखा है, इंटरनेशनल लेवल पर देखा है, सब जगह पर देखा है, इससे बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। दूसरी बात ये, एक बुरे का बुरे से एक बात नहीं, मैं अर्ज करने लगा हूं ना जी, एक बात मेरे ख्याल में शुरू से ही गलत हो गई। पाकिस्तान जो था पहले 85% डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक था, बदकिस्मती से जो भी हुक्मरान आए, चाहे वो डिक्टेटर थे चाहे वो सियासी थे, उन्होंने ज़राअत की तरफ वो तवज्जो नहीं दी जो मैं समझता हूँ कि 85% डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देनी चाहिए थी, यानी उसमें एग्रेरियन इंडस्ट्री जो थी उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, वरना आज ये हालात काश्तकार के और इसके ना होते और मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की होती। यानी वो जो पैसा हम इंडस्ट्री से लेना चाह रहे हैं, अगर एग्रेरियन इंडस्ट्री लग जाती उससे भी उससे ज़्यादा पैसा आता। ये एक बदकिस्मती रही है इस मुल्क की, जो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, कहीं नहीं गया, कि हमें अपना जो डाइवर्शन है ज़राअत के बारे में इसे थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए, और बीइंग ए एग्रीकल्चर कंट्री हमें अपनी पॉलिसीज़ को एग्रीकल्चर को बेहतर करने में, उसको एग्रेरियन इंडस्ट्री बढ़ाने में, काश्तकार की सहूलत के लिए हमें बहुत से इकदाम उठाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कायदे मोहतरम या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भी वो इस बात को बखूबी समझते हैं और इसमें बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता होगा वो ज़रूर करेंगे। मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, तो मैंने दरिया के पार उतर के देखा, 20-25 साल तो हम कुछ ना कर सके, अब और एक दौर मिलेगा तो हम यहाँ कुछ करेंगे। रूस टूट गया सिर्फ गंदम ना होने की वजह से, असले के अंबार थे। ये पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, कब तक हम लोगों को इस तरह का झांसा देते रहेंगे? देखो जी, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि मैं इशूज़ पे बात करता हूँ, मेरा ना पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है ना नून लीग से ताल्लुक है। अभी आपने थोड़ी सी, पहले मैं उस तरफ आ जाऊँ, इरा की आपने बात की है कि चीफ जस्टिस साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, बिल्कुल ठीक किया वो वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। और 2007 में जलजला आया, उस वक्त तो नून लीग नहीं थी,
ना, मतलब तोपों का रोखा हम एक तरफ कर लें, वो सब भी कह रहे हैं, इश्यूज की बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश करने लगा हूँ, बिलियंस की एड आई, इरा का ऑडिट मैंने खुद किया था, अच्छा ठीक है जी, और इसको मेरे 35 साल की सर्विस में ये वाहद ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अकाउंट्स मैंने एडवर्स रिकमेंड कर दिए थे। मौजूदा ऑडिटर जनरल जावेद जहांगीर साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, ये उस वक्त डिप्टी ऑडिटर जनरल थे, इन्होंने इसको एंडोर्स किया था, और साबका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान राणा बुलंद अख्तर साहब ने इसको एडवर्स ही कर दिया था। ये वाहद ऑर्गेनाइजेशन थी, जब हम एडवर्स का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इस काबिल ही नहीं है ये अकाउंट्स के इसका ऑडिट भी किया जाए, तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बात सुन लें, पहले बात सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपके ये चैनल की वसादत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको ये बावर करवाना चाह रहा हूँ कि ये एरिया जो उन्होंने सेलेक्ट किया बिल्कुल ठीक सेलेक्ट किया है। अच्छा, वो किया क्या उन्होंने, जितनी 8 बिलियंस की आई, जब मैं ऑडिट करने गया तो 1 बिलियन की एक अमाउंट थी जो कैमोफ्लैज हुई हुई थी। मैंने उनसे पूछा, वो जहाँ पता चला कि किसी बैंक में उन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। आप देखें, वो पैसा डिसबर्स करने की बजाय रिहैबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन की बजाय ठेकेदारों की पेमेंटें सारी रोकी हुई थी, और उधर उन्होंने मासूफ ने क्या किया हुआ था, उसको इन्वेस्ट किया हुआ था। वो जब उसको हमने देखा और उसको पकड़ा, उसका उनके पास जवाब नहीं था। हमने कहा, जी आपका ये पर्पस तो है ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इरा का, कि आप इन्वेस्टमेंट करते फिर, नंबर वन। नंबर टू, जितनी भी लैंड्स जो थी जहाँ पे ये सोसाइटी बनाने लगे थे, इरा के अफेक्टेड जो लोगों को शिफ्ट करना था, वो सारी की सारी इरा ने जो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो परचेज कर ली, जिसकी वजह से वो सारे सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट से आ गए। मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा चीफ जस्टिस साहब का बड़ा जो है आसन इकदाम है कि वो तशरीफ ले गए हैं, ताकि ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें जो मैं गोश गुजार करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए जनाब चीफ जस्टिस साहब को, कि ये वो एरिया है, इसको मंगवा के देख लें और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर तो कहते हैं कि इसकी अगर मुआवना चाहिए तो ताहिर महमूद साहब की भी मुआवना नहीं, वो मौजूदा जो टीम है वो भी माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल हैं, जावेद जहांगीर साहब खासी प्रोफेशनल ऑडिटर जनरल हैं, इंशाल्लाह वो सारी असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपके चैनल की वसादत से ही चेयरमैन नायब साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने सबका ही करें एहतसाब, इसमें किसी को ना छोड़े, कोई किसी पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, देखें इस हद तक, देखें मैं इनके साथ हूँ इस के जी, बिल्कुल सबका एहतसाब होना चाहिए, किसी को भी स्पेयर ना करें। देखें इस मुल्क का बहुत बुरा हाल हो गया है इस करप्शन की वजह से, रिकवर करें अमाउंट, एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं जहां पे बहुत बुरा हाल है, साफ पानी पे लगाएं, कराची पे लगाएं जहां पे इतना गंद है और वो जो है बिल्कुल उससे ताफन फैल रहा है, आगे ये सारी चीज़ें। अब रह गई बात आपकी कि ये जो गोडाउन वगैरह नहीं हैं और ये आपका आलू की काश्त, और वो मैं बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ अपने मोहतरम मियाँ साहब के साथ कि बात यह है कि ये ज़रूरी ये नहीं है कि अब से ये काम ख़राब होना शुरू हुआ। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, मसलन ने पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने कहा कि गोदाम वगैरह पहले इन्होंने बनाए थे, वो बिल्कुल बनाए थे इन्होंने, कुछ थोड़े से ऐड हुए हैं, लेकिन ये कि जितनी तादाद में बनने चाहिए थी इनकी प्लानिंग ही कोई नहीं है। देखें ना एग्रीकल्चर पॉलिसी बना सके हैं, ना आप कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना सके हैं, ना आपकी कोई हेल्थ पॉलिसी है, चीफ जस्टिस साहब जो है वो सबको वो कह रहे हैं कि जी हेल्थ पॉलिसी बना, याद करवाया अपनी पार्टी के तौर पर कि भुट्टो साहब के जमाने में हुए थे, लेकिन आपके नोटिस में ये भी लाना जरूरी है कि एक दफ़ा उस वक्त आबादी आपके सामने कितनी थी, हर गवर्नमेंट का फर्ज था, और आप देखें जाके मोटरवे के साथ साथ गंजियाँ लगी हुई हैं, गंदम बाहर हैं, वो सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए कुछ पैसे रख लिए जाते हैं, सारे सो गए कि भी हम खरीद रहे हैं, वो सब पीर साहब को पता जिम्मेदार हैं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि इस वक्त तो वहीद आलम साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा, सिर्फ बिल्कुल डिफेंड ही नहीं किया हुकूमत को, उन्होंने कहा एक काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, जिम्मेदार का बड़ा बुरा हाल है, उनको पेमेंट नहीं हो रही, उनकी तो जो आज से 50 साल पहले हालत थी माली, उससे वो बहुत पीछे चले गए हैं, गुरबत से बच्चे नहीं पढ़ा सकते, वो उस तरह के नहीं जिम्मेदार रही, क्या कहेंगे? देखिए जी, बात बिल्कुल ठीक है, हमारा मुल्क जो है एग्रीकल्चर मुल्क है, इसमें उस लेवल पर एग्रीकल्चर पर काम नहीं हुआ, लेकिन ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही बनी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आई है उन्होंने हमेशा किसानों के लिए काम किया है, हमने गंदम की कीमत 550 रुपया थी, हमारे दौर में वो 1100 से 1300 तक गई, अब दोबारा उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई, अब तक नहीं बढ़ी,
बात यह है कि हमने पॉलिसी दी थी, लेकिन लोग तो 1000 रुपए पर खरीद बेच रहे हैं। और मैं समझता हूं क्योंकि हमने और किसान इतने खुश हुए किसानों के लिए हमने, लेकिन हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती, हम किसान दोस्त थे, हम मजदूर दोस्त थे, हमारे बाहर दौर में सरकारी मुशर्रफ दौर में गंदम की कीमत का कुछ लोग कहते हैं कि वो ठीक था, बाद में तो कीमत मुकर्रर की गई लेकिन बिकी नहीं, 1300 से 1200 के दरमियान बिकती भी रही, ऐसी बात नहीं है, हमारे दौर में बिकी है। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर हमने, हम मोटरवे के खिलाफ नहीं थे, हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये था, हम चाहते थे कि जो छोटी छोटी रोड्स हैं, जो किसान को चीज़ें जो वो सब्जी बनाते हैं, उसकी सब्जी वही उगाता है वही खराब हो जाती है, तो अच्छा वहाँ से वो तो आपकी जरूरत है ना। उस वक्त जब बन रही थी हमने कहा था कि छोटी छोटी रोडें बनाए ताकि किसान को अपना माल जो है शहर में लाने में आसानी हो, जो वहाँ पे 150 रुपए की चीज शहर में 300 रुपए की चीज है वहाँ वो 50 रुपए की बेचने में मजबूर है। आज भी उन रोड वहाँ पे रोड्स नहीं है, आज भी ये अपना पैसा सारा का सारा लाहौर शहर में लग रहा है। अब आप जाके देखें साउथ में क्या हो रहा है, साउथ में रोड्स ही नहीं है, साउथ में अपना जो किसान है पिस रहा है, डे बाई डे पिस रहा है। इसलिए पिस रहा है कि ये जो हुकूमत है मियां नवाज शरीफ की, ये जब भी आई है इन्होंने तजारतों को प्रमोट किया है, जो तजारत उनको फैसिलिटेट किया है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, लेकिन करते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, एक्सपोर्ट ही बढ़ी, वो आर्टिफिशियल किया उनको, उनको उनको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दिया, सिर्फ उनको खुश किया, टैक्स में छूट दे दो, कितना बड़ा के आपके पास 1 रुपया ब्लैक मनी का पड़ा है, 2% देके 5% देके आप उसको वाइट तो आगे चलते हैं ना। अब दो मिनट हैं फिर सब स्टार्ट आपसे लेते हैं, ये जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये इन हुक्मरानों के लिए इनहेरिटेंस जमहूरियत जिसको कहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक देहातों तक, दादा वालद वही लोग वही दिमाग वही पॉलिसियाँ, ये निज़ाम पाकिस्तान के अवाम को कुछ डिलीवर कर सकेगा या निज़ाम बदलना पड़ेगा? जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम है मेरे हिसाब से, इससे कोई और निज़ाम अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें बात यह है कि ये जो चेहरे हैं, ये तो जैसे आपने बजा फरमाया कि बाप की जगह पे बेटा आ जाता है, बेटे की जगह उसका बेटा, माइंड सेट है, कोई नज़रिया कोई नहीं है अवाम में, हमारी में ओवरऑल एजुकेशन की कमी है। जब एजुकेशन, लेकिन जैसे 2-3-4 इलेक्शन हुए हैं अब कुछ ना कुछ शऊर लोगों में आ रहा है, जो पिछला जो बंदा डिलीवर नहीं कर सकता अगले इलेक्शन में उसको वो पसंद नहीं करते, वो एक नया लोग आ जाते हैं, वही कभी वो हो जाता है कभी वो हो जाता है। नज़रिया की अब पॉलिसीज़ की सियासत आनी चाहिए, कोई भी सियासी जमात है वो अपनी पॉलिसीज दे लोगों को, अपना नज़रिया दे कि इस पर मैं काम करूँगा और उसी पर इलेक्शन लड़े, तभी जाके हमारा कुछ बेहतरी आ सकेगी। नहीं तो जिस तरह की जो है जमहूरियत चल रही है ये इसी तरह चलती रही तो फिर कोई बेहतरी की उम्मीद ना रखें। जी भाई आलम साहब, क्या इसी तरह चलाना है? जी बात यह है कि आप भी ग्रामीण की जंजीरें तोड़ें, नए फेसेस लाएं, वो पुराने पुराने बंदों को छोड़ें, कोई नए लोग लाएं, कुछ सोचें। मैं तो ये जानता हूं कि जिस शख्स में भी सलाहियत है लोगों को गाइड करने की, मुल्क के लिए काम करने के लिए, चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे कोई और हो, उसका हक बनता है कि वो सियासत में आए, किसी को आप रोक नहीं सकते। अगर नहीं, चाहे वो मेरा बेटा है, अगर उसके पास उसका वो नहीं कर सकता, लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता, उसको नहीं आना चाहिए। तो इसमें विरासत, देखें विरासत जो मुख्तलिफ इसके ना अंदाज मुख्तलिफ हैं। अगर आप ये कहें जी शहबाज शरीफ साहब आ गए तो उनका बेटा आ रहा है, तो नहीं, उससे भी नीचे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, उसी नस्ल दर नस्ल है इसमें, नहीं पूरी दुनिया में चले जाएं। कहाँ कहाँ है बताइए? अमेरिका में, कनाडा में, आज कनाडा में जो सदर है उसका बाप ही सदर था, अमेरिका में बाप बुश सदर था उसका बाप ही सदर था, और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट देखें, ये बात नहीं है, बात यह कि ये फैमिली में ट्रेवल करता है कि कौन आदमी सियासत में हिस्सा लेता है, वो फैमिलियां ट्रेवल करती हैं, वो हिस्से लेती हैं, वो जब हिस्से लेती हैं तो वो लीडर भी पैदा करती हैं। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, जिस तरह अक्सर हम आम तौर पर आखिर में कहते हैं कि बेहतरीन जज हैं, आप देखिए सोचिए कि क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान सारे सूबों के साथ मुसावी सलूक कर रहे हैं? करना चाहिए, सोचना चाहिए, हम सब मिलजुल कर इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। आप अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll be right back.